GPA Aqua Life. हेलो गाइस, सब आ जाओ लाइव। गुड इवनिंग। आज कुछ क्वेश्चन है, रिफ्रेश कर और क्लिक कर दो। वॉल्यूम मास्टर कर दो। सब आ जाओ भाई फटाफट लाइव। सेवन पीपल वाचिंग। देखो आ गया सब भाई। लेकिन हेलो 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 सब भाई। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर रैक्स लग गए। गोपाल हाई कर दो। हाय फ्रेंड्स। तो यहां पर कुछ सेटअप होगा, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। मस्त आपको कुछ देखने को मिलेगा। हां, डिले हो रहा है। और इधर मेरे बाकी सेस है, बहुत अच्छा है। नमस्ते भाई अल्टी मैक्स। नमस्ते। सो गाइस, कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करने से पहले मेरा एक टॉपिक है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। लाइक हम लोगों ने अभी अभी एक एक्वेरियम सेट किया, उसका वीडियो बाद में आएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कौन सा पानी डालना चाहिए एक्वेरियम पे। हाँ, बेस्ट वाटर फॉर एक्वेरियम। तो आप कुआँ अगर घर पे है, कुआँ का पानी टैप वाटर यूज कर सकते हो, बट ज़्यादा आयरन नहीं होना चाहिए उसमें, क्लोराइन ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और जब भी आप पूरा फुल वाटर टैंक चेंज करते हो तो थोड़ा सा पानी आप रिजर्व कर लेना, ठीक है। जब आप पूरा पानी डालोगे उसमें नेक्स्ट टाइम, वो वाला पानी उस पर ऐड करना। इससे क्या होगा, फिश ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा। बहुत टाइम फिश स्ट्रेस में आ जाता है 100% वाटर चेंज करने से। अच्छा, सोनाम जोरदार, 4 फीट एक्वेरियम में एलिगेटर गार अरावाना रेड टेल कतदिन रखते पारबो? सो सोनम, तुम 4 फीट टैंक पे ये सब फिशेस अप टू 1 ईयर तक रख सकते हो, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ये थोड़ा साइज में बड़े हो जाते हैं, 1.5 फीट तक चल जाते हैं, फिर तुमको अपग्रेड करना होगा। गार्डन क्या, गार्डन का इंसेक्ट? अर्थवर्म? नहीं नहीं नहीं, वो क्लीन करना होगा, बहुत अच्छा से क्लीन करके फीड दो। हाँ, उसको ला के 2 दिन रखना, उसमें थोड़ा क्लीन करना, क्योंकि बहुत टाइम वो लोग बहुत गंदा गंदा पानी पे रहता है ना, ड्रेन पे रहता है, कीचड़ में रहता है, तो वॉश करके अच्छा से फीड देना होगा। फेवरेट फिश अरापैमा, हाउ टू कीप मॉन्स्टर फिश लाइक अच्छा। किसी और ने क्वेश्चन किया था, एरोना और ऑस्कर क्या 3 फीट टैंक पे रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, अप टू 6 to 8 months। उसके बाद एरोना को अपग्रेड का ज़रूरत पड़ेगा। फिर है चन्ना, स्नेकहेड के साथ क्लैरियस कैटफिश रहेगा? गेमिंग प्रथम ने कमेंट किया था, तो हाँ चन्ना के साथ आप क्लैरियस कैटफिश रख सकते हो, ठीक है। मैं भी रखा था। अभी तक अरापैमा है, उसका एवरेज मार्केट रेट 4.5 से 5 में चलता है अभी। भाई इनका एक क्वेश्चन के रिप्लाई देना चाहते, गौरव नंदी भाई, आप जो पूछ रहे हो कि बोल में आप जो फिश नहीं रख सकते, एक्चुअली वो बोल के लिए फिश बना ही नहीं है, है ना। कौन सा फिश? कोई सा फिश आप बोल में रखना? बोल में देखो, बोल में आप रख सकते हो, बहुत लोग रखता है, ठीक है। छोटे मोटे 1-2 प्लेटीज, गोल्ड फिश, बेटा बहुत लोग रखता है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट बड़े गोल्ड फिश मत रखना बोल पर। अच्छा, किसी ने बोला था गोल्ड फिश टैंक के लिए क्या सबस्ट्रेट, नॉर्मल सबस्ट्रेट? नहीं भाई,
बेयर वाटर में अच्छा लगता है गोल्डन। अगर सबस्ट्रेट आपको सस्ता वाला चाहिए तो कंस्ट्रक्शन वाला यूज कर सकते हो। बड़ा पॉन्ड होना चाहिए तब होगा। फिर है डीवॉर्मिंग के ऊपर मुझे कोई बोला था, तो डीवॉर्मिंग अगर आप लाइव फीड या प्रोसेस फीड बहुत ज़्यादा देते हैं, आप पॉन्ड पे रखते हो तो डीवॉर्मिंग का ज़रूरत नहीं, अगर आप एक्वेरियम पे रखते हो तो आपको डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा। ठीक है, महीने में एक बार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, डीवॉर्मिंग का बहुत मेडिसिन है। क्या क्या फ्लावर ऑन का सेटअप सही नहीं होने से, हाँ टैंक साइज मिनिमम 2.5 से 3 फीट है ना एक फ्लावर ऑन के लिए, और उसका टैंक सेटअप होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नया फ्लावर ऑन बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है और हेड भी उसका डाउन हो जाता है। अच्छा एक लोगो बायो हाव हाजरा, 10 पीस इंडियन कोई कर्व के लिए कितना बड़ा पॉन्ड चाहिए? जो इंडियन पे जो कोई मिलता है वो अराउंड 1 फीट तक बड़ा होता है मैक्सिमम, तो उसके लिए मिनिमम आई वुड सजेस्ट 6 फीट बाय 3 फीट ठीक है, आराम से रह लेगा। तो फेसबुक में हमारे जो ग्रुप है वहाँ पर पोस्ट करो, टर्टल में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, उसमें बहुत यूवी लाइट के वजह से होता है स्पॉट, ठीक है, टैंक सेटअप सही नहीं होने से बहुत तरह डिजीज होता है। मेरा एक फ्रेंड है देवांकन साहा, आप उससे हेल्प पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो भेजो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। वो आप कल स्ट्रीट चल जाओ आपको मिल जाएगा। अच्छा एक और फोन कोई बोला था, स्विम ब्लडर प्रॉब्लम कैसे डील करता है? स्विम ब्लडर जनरली ओवरफीडिंग के कारण होता है, ठीक है, तो ओवरफीडिंग अगर स्विम ब्लडर हो जाता है तो उसका मतलब ट्रीटमेंट है, आप पानी एकदम कम कर दीजिएगा, एरिएशन बहुत हाई रखना होगा और फीडिंग एकदम बंद करना होगा 2 to 3 days, जब तक उसका एग्जिस्टिंग जो पेट में जो रहता है वो निकलता नहीं, और पीस या कुछ वेजिटेबल्स आपको ब्लांच करके उसको फोर्स फीडिंग कराना होगा, ठीक है, उस वो हेल्प करता है डाइजेशन में। इनका क्वेश्चन पूनम सिंह का, 7 इंच अरवाना के लिए टॉप 5 बेस्ट फूड्स। स्मॉल बेबी अरवाना के लिए आजू का स्टिक आता है, हिकारी का स्टिक आता है, हाँ, फिर श्रिम्प आप दे सकते हो, तेलेपिया फिलेट्स, लाइव गप्पीज, चिकन अभी मत देना, छोटा में चिकन देना ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। स्टिक्स रहता है बहुत सारे, तेलेपिया फिलेट, किसी ने पूछा था वाइल्ड कॉट गोरमी और चन्ना को क्या फीड दो, तो उसके लिए हाँ वो ब्लड वर्म वगैरह वही खाता है। बेस्ट फूड फॉर कैटफिश एंड कार्प ऑप्टिमम, चार फीट में आप 2 पीस या 3 पीस पिराना रख सकते हो, नाइट फिश रख सकते हो, अरवाना ग्रीन अरवाना रखिएगा, ठीक है, फिर ऑस्कर पैरट ये सब आप रख सकते हो 4 फीट में। पॉन्ड बनाने में कितना कॉस्ट लगता है? डिपेंड्स अपॉन साइज, अगर टाइल्स अगर लगा के करोगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, नॉर्मल करोगे सीमेंट वाला तो उसमें थोड़ा कम खर्चा है। स्ट्रिंगर का केयर पूछा था किसी ने, स्ट्रिंगर का केयर देखिए उसको स्टार्टिंग में एक स्टैंडर्ड में बोलूँगा 4 फीट टैंक पे रेस कीजिए, पानी कम रखिए, फिल्ट्रेशन अच्छा डालिए, दिन में 2 बार फीडिंग दीजिए स्ट्रीम, ठीक है, और पुली टाइप्स का जो टैंक मेट्स रहता है उसके साथ उसको बिल्कुल मत रखिए, फिल्टर में आप टॉप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर नहीं 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 बिल्कुल डेली मत दो, डेली मत दो, हफ्ते में एक बार दो, हाँ जो डाइजेशन बेस्ड होगा उनका डेली मत दो।
यस भाई सर, समथिंग कुछ आप रख सकते हो 4 फीट बाई 2 फीट बाई 10 में, ऑस्कर आराम से रख सकते हो। मैक्सिमम टैंक साइज ऑफ टीएस एंड कैटफिश, मैक्सिमम टैंक साइज, मैक्सिमम टैंक साइज टाइगर सोलोस बहुत बड़ा होता है, दे कैन ग्रो अप टू 4 फीट। तो अगर आप टैंक पे रेस करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट 5 फीट या 4 फीट पे उसको रेस कीजिए। अगर स्टॉक मिट जाएगा तो आप उसको रीसेल कर दीजिए। अगर आपको और उसको ज़्यादा से अच्छा से रखना तो आपको पॉइंट बनाना होगा। भाई इनका क्वेश्चन, आपका स्टिंगरे का स्पीसीज क्या है गौरव नंदी का? आपका स्टिंगरे का ये स्पीसीज कौन मंटीला स्टिंगरे है शायद, और इससे कम का जो आता है वो मोटो क्या है? मोटोरो स्टिंगरे मोटो है, ब्लैक डायमंड है, प्लैटिनम है, बहुत टाइप का स्टिंगरे है। अरावाना ड्राई फूड, अरावाना ड्राई फूड में आजू पैरट है, हिकारी हिकारी का पैरट्स है, फिर क्रिल्स है, श्रिम्प है, मिस के दा भाई, जल्दी गोल्ड फिश का वीडियो आएगा भाई, गोल्ड फिश का बहुत जल्द जल्द आएगा। आएगा अपना स्टेज फिल्म। आप कौन सा एक्वेरियम यूट्यूब चैनल को देखते हो? मैं किसी को नहीं देखता, मैं बस भाई रिवर आपको, मॉन्स्टर, अपने आपको भाई थोड़ा मैं रिवर मॉन्स्टर देखता हूँ बस। भाई प्राइस प्राइस वाले तो डिस्क्लोज कर नहीं सकता वो आपके सो एरिया गाइस, ये मेरा कल ही कंस्ट्रक्शन का काम इधर कंप्लीट हुआ, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर आएगा, बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड पूरा फिश रूम में थोड़ा चेंजेस लाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग देखते रहिए और अच्छा अच्छा वीडियोस आएगा, ठीक है? और कल शायद वीडियो आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, मेरा घर पे थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं कोशिश करूँगा। इसी रिलेटेड काम चल रहा है, हाँ, तो कल थोड़ा डिले हो सकता है वीडियो, या परसों वीडियो आएगा। फन की दीवार तो आरटीसी में नहीं है, मिनिमम टैंक साइज, आरटीसी का मिनिमम टैंक साइज मिनिमम देखो, स्टार्टिंग में आप 3 फीट में उसको रख सकते हो, आफ्टर लाइक 6 to 7 मंथ्स आपको अपग्रेड करना ही होगा, उसके बाद 6 फीट बाई भाई आपको बस ढाई पॉइंट फीट जाना हाँ इन द एंड पॉइंट पे आपको जाना होगा। भाई का निमिष के दर का भाई, व्हाई डोंट यू ऐड कोई फिश इन कोई फिश मॉन्स्टर? मेरे पास था, मैं उसको दे दिया हूँ, मैं वापस लाऊंगा। मॉन्स्टर के साथ क्यों नहीं रख रहे हो? मॉन्स्टर मैं बता रहा हूँ, एलिगेटर गार्ड जो है ना, मेरा लाइक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब एलिगेटर का केयर वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं ये बात बोलूँगा। तो एक दिन क्या हुआ था, मेरा दो वाइट कोई फिश था, तो मैं एक दिन सुबह देखा मेरा एक कोई फिश मिसिंग है। तो उस टाइम मेरा एलिगेटर गार्ड पॉन्ड पे था, तो उसने एक छोटा कोई को खा लिया था। तो दैट्स द रीज़न लाइक एलिगेटर गार्ड के साथ लाइक कोई गोल्ड फिश ये सब रखना ही नहीं चाहिए, हाई रिस्क है, कब खा भाई। लेगा पता नहीं चलेगा। भाई प्राइस तो सॉरी कहीं का भी डिस्क्लोज कर नहीं सकते, वो आपके एरिया पे डिपेंड है, हाँ प्राइस एरिया टू एरिया वेरी करता है। अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकते, उसके लिए हाँ सॉरी है, आप देख सकते हो आपको नहीं आया तो। भाई आपने कौन भाई क्या आपने सिल्वर अरावाना बेबी प्राइस, देखिए हर जगह का अलग अलग रेट है, कहीं कहीं आपको 1500 में मिलेगा चेंज का, कहीं आपको 1000 में मिलेगा, कहीं 500 में भी मिलेगा। प्राइस डिफरेंस क्यों? आपको अगर आप सस्ता में चाहिए तो आप गली स्ट्रीट चल जाओ, जब खुलेगा चल जाना, सस्ता नाम को मिल जाएगा। और क्या क्वेश्चन है भाई? अब पूनम सिंह पूछ रहे हैं भाई, आपने पॉन्ड में पॉन्ड के पीसेस को वीक में कितने बार फीड करते हो? मैं जो अभी ये वाला जो पॉन्ड है मेरा छोटा वाला, इसमें रेगुलरली फीड होता है, और जो मेरा 18 फीट का पॉन्ड है वहाँ मैं एक दिन गैप दे दे के फीड देता हूँ, क्योंकि वो लोग बड़े फिश है और बड़े फिश को डाइजेशन में थोड़ा दिन चाहिए अच्छा से, क्योंकि मैं चिकन देता हूँ, लीवर देता हूँ, लाइव फीडिंग ज़्यादा देता नहीं, छोटे पीसेस भी देता हूँ। मेरा मैं नहीं करूँगा, गोपाल करेगा तो उसको उसका चैनल पर जरूर आएगा, कोशिश करूँगा। हाँ मेरा घर पे अलाउ नहीं है टर्टल, यहाँ स्टिंगरे के साथ कोई फिश रख सकते हैं, और अदरवाइज शॉप वैरायटी पीसेस। हाँ स्टिंगरे के साथ डेटनॉइड्स रख सकते हैं आप, ठीक है? फिर आप उसके साथ पीकॉक बास रख सकते हो, पैरेट रख सकते हो, ऑस्कर फिश, अरवाना, नाइफ फिश रख सकते हो, फ्लोरिडा गार रख सकते हो, जैसे मैं ये सब रखा हूँ, मेरा टैंक पॉन्ड पे है, लेकुरेनियस भी है। या कुछ विवेक लाइफस्टाइल भाई, हमें 6 पीस ऑस्कर, 2 पीस आरटीसी, 6 पीस अरवाना, 10 फीट बाई 3 फीट टैंक के रैकेट रखे। हाँ हाँ इजीली 10 फीट के लिए क्या मोस्ट अच्छा, 10 फीट पे लाइक एरापाई में भी आप रख पाओगे, अगर 10 बाई 10 रहा, 10 बाई 6 रख नहीं पाओगे। भाई
बट आपको तो लास्ट में व्हाई डोंट यू बाय हैमस्टर, आएगा आएगा बहुत छोटा पेट, बाद में अभी सेटअप चल रहा है, मैं बाद में लाऊंगा छोटा पेट, करनी और ब्रीडिंग करवाए के फ्यूचर में करवाऊंगा, अभी नहीं। दादा हमारा रेडटेल कैटफिश की हवा दो, रेडटेल कैटफिश को श्रिंप श्रिंप दो, चिकन लिवर दो, लाइव कपीज दो, डैटनॉइड्स का अप्रोक्स प्राइस वैरी करता है भाई, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, आप गल्फ स्टेट चल जाओ आपको सस्ता में मिल जाएगा। प्लैटिनम घर बाय करो जरूर, अगर मेरा चैनल अच्छा ग्रो करेगा पैसा मिलेगा तो जरूर यूट्यूब का पैसा से खरीदूंगा। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर कोई कार के लिए बेस्ट है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम 3-in-1 या नॉर्मल ऑप्टिमम गोल्डफिश का पैलेट्स, टेट्रा बिट्स भी अच्छा है, और बीच बीच में चिकन का लीवर भी दीजिएगा, उसमें ग्रोथ अच्छा होता है। जो बाहर का जो ब्रीडर रहता है ना, जो वो लोग ब्रीडर जो रहता है वो लोग मैक्सिमम गोट हार्ट चिकन हार्ट ये सब देते हैं। एक और किसी ने मुझे बोला था होममेड बेस्ट फूड फॉर डिस्कस और एंजल, तो आप वही मिक्सर में चिकन हार्ट लीजिएगा, श्रिम्प लीजिएगा और कुछ वेजीज लेके कैरेट वगैरह, उसको अच्छा से ग्राइंड करके फ्रीजर पे रख के आप छोटा छोटा फ्लेक्स बना के देख सकते हो, वो बहुत अच्छा से खाएगा, होम मेड नेचुरल फूड। हाई तुल खीरे पेड़ से अरवाना फीड नहीं ले रहा, अरवाना का वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भेजो, मैं टैंक देख के बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है, स्टिंगरे का मार्केट रेट 6,000, कहीं पर 5,000, कहीं पर 7,000 चल रहा है बेबी स्टिंगरे। हम लोग यहां पे ऐसे फिश का जो है प्राइस डिस्कस नहीं कर सकते। आई हैव 8 फीट टैंक, कैन आई कीप एलिगेटर गार्डनिंग इसमें टैंक में 8 फीट नहीं नहीं एलिगेटर गार्ड के लिए मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा 10 फीट। अच्छा किसी ने पूछा है 2 फीट टैंक के लिए बेस्ट फिश कौन सा है, आप गोल्ड फिश रखो, एंजल रखो उसमें, हाँ ट्रॉपिकल में भी बहुत सारे फिश बड़े हो जाते हैं, बट जो फिशेस 3-4 इंचेस तक बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उनको आप रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा ठीक है, इधर साइड में है बेटा, अभी अभी ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है सर, ऐड चीतोल एंड टिन फॉइल बार बाला सर, देखो वो सब मैं ऐड करूंगा बहुत जल्द, बट ये वाला टैंक पे सूटेबल नहीं है, 18 फीट पे भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये लोग खा लेगा, मैं बाद में अलग से उनको ऐड करूंगा। अच्छा क्वेश्चन आया पूनम सिंह का, आपने कौन कौन से फिशेस को छोटे से बड़ा खुद किया हो? अच्छा, खुद किया बता रहा हूँ मैं, मेरा जो टाइगर सोवेलनोस है उसको मैं छोटे से बड़े किया हूँ, रेड टेल कैट जो मेरा फर्स्ट है उसको छोटे से बड़े किया हूँ, मेरा एक सिल्वर अरवाना था उसको पाकुर ने मार दिया था, वो भी मैं छोटे से बड़े किया हूँ, फ्लोरिडा गार उसको भी मैं छोटे से बड़े किया हूँ, एरापाइमा दोनों में उसको छोटे से बड़े किया हूँ, स्टिंगरे को भी बड़े किया हूँ, ऐसे बहुत सारा फिश है गाइस, एंड कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो मैं डायरेक्ट थोड़ा बड़ा साइज में, लाइक जो रेस्क्यू किया था मैं रिसेंटली वो मैं डायरेक्ट आप साइज देखे होगे, फिर एलिगेटर गार को भी जो मैं रेस्क्यू किया था वो उतना ही बड़ा था, बाकी सारा फिशेस मैं छोटे से बड़े किया हूं। भाई आप डेफिट टैंक भाई सो लीगल, आप डेफिट टैंक में आप जो ट्रॉपिकल फिश है जैसे आप एंजल रख सकते हैं, मॉली कॉपी वगैरह रख सकते हैं, उससे बड़ा बिल्कुल ना रखे, ओवरस्टॉकिंग करना वो मर भी सकते हैं, ये मेरा मेरे तरफ से सजेशन है आपको, डेफिट टैंक जो है काफी सफिशिएंट नहीं है ज्यादा फिश के लिए। डेढ़ फीट के लिए बेटा बेटा रखो, देखो वो उधर वाला बेटा का टैंक है, डेढ़ फीट का और क्या क्वेश्चन है इनका है भाई, मैंने अपने 8 इंच के आरटीजी अरवाना के साथ कौन से फिश रख सकता हूँ, उसके साथ एक 3 इंच का पैरेट है वो बहुत मारता है आरटीजी को, आरटीजी को मार रहा है, आरटीजी को कौन मार रहा है, पैरेट मार रहा है, पैरेट को सेपरेट कर दो, पैरट होता है गाइस, देखो इंडिया पे जो पैरट देसी पैरट जो मिलता है ना वो थोड़ा एग्रेसिव रहता है, जो बाहर से इंपोर्टेड होकर आता है ना वो थोड़ा पीसफुल अच्छा रहता है। हाँ मेरा भी मैं लिया था गैलिफ स्ट्रीट से, तो वो लाइक वो मेरा ऑस्कर को मारता था, टीन फॉइल बार को मारता था, तो इसीलिए मैं उसको दे दिया था मेरा फ्रेंड को, एंड जो इम्पोर्टेड वाले रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं।
किराना अपडेट बहुत जल्दी आएगा गाइस, आप टेंशन मत लो, किराना बहुत जल्दी आएगा अपडेट। और क्या क्वेश्चन है? स्टिंगरे प्राइस, सॉरी भाई स्टिंगरे का प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट फिट फॉर ऑस्कर। बेस्ट फिट फॉर ऑस्कर, ऑस्कर के लिए बेस्ट फिट है आजू का पैरट है, हिकारी का बायो वर्ल्ड है, श्रिंप है। बेस्ट मतलब उनको ऑस्कर का मतलब ज्यादा ज्यादा लाइक है, ज्यादा पैमा खा रहा है कैसे। मैं गाइस आप लोग कमेंट करो मेरा अराबामा का क्वालिटी कैसा है, लाइक मैं इसको नेचुरल फीड ही देता हूँ, बीच में पैलेट्स देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सिल्वर अराबामा इज हार्ड फिश बट नॉट, हाँ सिल्वर अराबामा बहुत हार्ड फिश है, बहुत रख सकते हो, बहुत ही हार्ड फिश है। गेट इंपॉर्टेंट बेटा फिश भाई, अरुंधति चक्रवर्ती इम्पोर्टेड बेटा फिश, आप गैलिप स्ट्रीट चल जाओ, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप से सर्च करो आपको मिल जाएगा। मेरा पहला वाला जो अराबामा था उससे ये कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रोथ ले रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। हाँ चिकन लिवर दो, हफ्ता में एक दो बार दो, ज्यादा नहीं, हफ्ता में एक दो बार दो। ब्रीडिंग बेटा, ब्रीडिंग फीडिंग मैं एकदम बाद में अच्छा सेटअप बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ब्रीड करने के लिए। जैसे अभी मैं लाइक स्टिंगरे और अरवाना का मेरा लाइक मेरा ड्रीम है ब्रीड करना इनका, देखते हैं क्या होता है। हाउ मेनी अरवाना स्टिंगरे यू हैव? स्टिंगरे एक ही है, अरवाना मेरे पास दो है, एक मर गया था लाइक वो बड़ा वाला अरवाना ही मार दिया था उसको, और एक अरवाना को मेरा पाकू मार दिया था, बाद में और लाऊंगा मैं। गोरख साहब का कि 3000 रुपये में सिल्वर अरवाना दे रहा हूँ, औरंगाबाद में 11 इंच का क्या लेना चाहिए ना? 3000। देखो भाई आपको अगर आस पास और सस्ता में मिलता है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप वो वाला ले लो। किंग कॉन्ग पैरेट प्राइस, भाई पैरेट तो बता नहीं सकते, पल्सर प्राइस हम लोग नहीं बता सकते भाई, डिपेंड होता है। और भी फीस है अराबामा है, और भी फीस है, बट अराबामा का मुझे इसका मेन जो फीडिंग करता है ना बेस्ट लगता है भाई। 3 फीट गोल्ड फिश टैंक के लिए कौन सा बेस्ट फिल्टर और बॉटम रखना है या सबस्ट्रेट रखना? तो भाई 3 फीट के लिए कौन सा फिश? गोल्ड फिश के लिए सबस्ट्रेट मत रखो, आपको 2 मिनट क्लियर बता दो। अगर आप गोल्ड फिश रखते हो एक्चुअली जो ना बेयर बॉटम पे ना ज्यादा फिट रहती है, अगर आप सबस्ट्रेट रखते हो जैसे सैंड वगैरह या सुगर सैंड तो उनके गिल में या मुंह में जा सकते हैं, उनसे जो डिजीज आराम से हो सकता है। तो आप कंसीडर करो कि आप जो राउंड जो कलर फिल्टर में आप टॉप फिल्टर दो, टॉप फिल्टर पैक में ले सकते, और फीडिंग भी अच्छा आपको क्वालिटी देना होगा, वो टोक्यो मत देना जो कलरफुल रहता है, बेकार रहता है एकदम। योर बेस्ट फिश भाई बताया, एलिगेटर का गोपाल का बेस्ट फिश क्या? गोपाल तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? मेरा जाइंट है ये आरटीसी रेंटल कैट, और एक और बंदा अभी हम लोग के पास है, वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, उससे पूछते हैं क्या उसका फेवरेट पीस। तुम्हारा क्या फेवरेट पीस है कैप्टन? मेरा तो फेवरेट पीस फिलहाल दो ही है, एक रेंटल कैट पीस और एक सिल्वर अराउंड। तो मैंने बेबी एक बाय किया है आरटीसी ने ना, उसका अपडेट आएगा बाद में, जल्द आएगा उसका वीडियो, अलग से आएगा, अलग से आएगा एकदम लाइव में नहीं, अलग से आएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं पुरस्कार वर्मा, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कट अ ग्लास फॉर एक्वेरियम। तो भाई आप इनके चैनल पे देखो कैसे मैंने जो है खुद चैनल पे मेरा चैनल का प्लेलिस्ट, गाइस मैंने मेरा चैनल का प्लेलिस्ट अच्छे से कल मतलब सजाया है कैटेगरी वाइज, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, आपको लाइक ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। फीडिंग का अलग है, फिश केयर का अलग है, एक्वेरियम मेकिंग का अलग है, ठीक है, फिशिंग का अलग, फिश रेस्क्यू, हाँ आपको मिल जाएगा। इनका एक क्वेश्चन है, इनका जो फ्लावर हॉर्न का जो स्टमक है वो फुल चुका है, फ्लावर हॉर्न का स्टमक ब्लोट ओवरफीडिंग हो सकता है, ब्लोट हुआ होगा, आप वीडियो भेजो मैं देख के बताता हूँ। मेरा सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो ऑन योर डॉग्स आएगा, डॉग्स का वीडियो आएगा बहुत जल्द। लव यू ब्रो, लव यू ब्रो। एक ऑस्कर के साथ सिंगल पैरेट रख सकते हैं क्या?
एक ऑस्कर के साथ सिंगल पेरेंट, तो भाई वो फाइट देखो फाइट तो करेगा करेगा डेफिनेटली, अगर फाइट नहीं करता है तो यू आर लकी, अगर फाइट करता है तो सेपरेट कर देना। रेड ड्रैगन फ्लावर फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो भाई उनका एरिया में चेक करो या लोकल एरिया पे देखो कहाँ मिल सकता है आपको। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ योर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड का कॉस्ट मैंने लास्ट में बताया था लाइक 50 to 60 K पकड़ लीजिए, और भी है खर्चा, मैं अप्रोक्स जोड़ा नहीं हूँ, मेरा डायरी, हाँ मेरा डायरी में लिखा होगा, मैं देख के किसी दिन बताऊंगा। एलिगेटर का अपडेट कब आएगा? एलिगेटर का स्पेशल वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मामा विश्वजीत यादव, सॉरी भाई, जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट को आपकी हॉबी पसंद थी या नहीं? टेस्ट क्वेश्चन भाई। चाइल्डहुड मेमोरी भाई, मेरा बचपन में बहुत कुछ मरा है, मत पूछो, मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था। मैं शार्क के साथ बेटा रखता था, एंजल रखता था, मेरा बहुत फिश मरा था उस टाइम, मैं एकदम 5-6 में पढ़ता था, फिर मैं एकदम हॉबी बंद कर दिया था टोटल, फिर अभी रिसेंटली आफ्टर सेटल होने के बाद, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद, फिर मैं मॉन्स्टर में इंटरेस्ट दिखाया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट धर्मेंद्र सिंह इधर अभी आएगा, अच्छा सेटअप यहाँ होगा, बहुत जल्द रिवील होगा, आपको काफी अच्छा भी लगा। और भी बहुत सेटअप उधर बाहर भी सेटअप का प्लान है, बाद में देखने को। अरवाना टुगेदर, तो भाई अरवाना के साथ अरवाना ही रहेगा? नहीं, अरवाना के साथ अरवाना फाइट करता है, सब अरवाना एक नहीं होता है ना, अगर सब एक साथ अरवाना रखना चाहते हो तो सबको बेबी में बाय करो, लाइक 6 पीस 8 पीस 9 पीस, एकदम 4 to 5 inches बाय करके सबको एक साथ रेस्ट करो। क्या है अब बाद में, बाद में देखा जाएगा, अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट दूंगा। गोपाल भाई कैसे हो भाई? स्ट्रीट डॉग, तो भाई स्ट्रीट डॉग आपको कौन है? हां स्ट्रीट डॉग मेरा घर पे है, मैं अभी रात को नहीं दिखा सकता, मैं रोज फीडिंग देता हूं उधर मेरा है, एंड एक टाइम था गाइस मैं स्ट्रीट डॉग्स को अपने साथ बेड पे लेके सोता था, ठीक है भाई, ऐसा मत सोचिए आप लोग कि मेरा पास एक्सपेंसिव डॉग, जिसका मतलब मैं आप इनसे लोग से पूछिए, मैं नेटिव जो हमारे देसी बिल्ली रहता है वो भी रखा हूँ बहुत सारा, ठीक है, और देसी कुत्ता भी बहुत है। और कुछ क्या क्वेश्चन? फायर ऑस्कर के साथ आप ऑस्कर का पेयर रखो, एक प्लेको रख दो, ऑस्कर का स्पेशल केयर वीडियो में बना कर रखा हो, आप वो वीडियो देखो, आपको अच्छा से गाइड मिल जाएगा। अरे भाई पूजा गोगी का क्वेश्चन है, रेड रेड डिजाइन पावर ऑन इंपॉर्टेंट, कहाँ मिलेगा भाई वो आपके एरिया में? जस्ट चेक करो कि आप कहाँ पे अवेलेबल मिलता है इंपॉर्टेंट, आप कहाँ रहते हो, पूछो कहाँ रहते हैं आपको, तो एरिया पे देखो गूगल में सर्च करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फिश शॉप मिल जाएगा आपको, एग्जैक्ट प्राइस तो बता नहीं सकता बट 3 to 4 thousand होगा, अच्छा होगा ब्रीडिंग के लिए। पिरामिड के चिकलेट अवेलेबल इन गरीब? हां भाई सब फिश अवेलेबल है, हमें अच्छे का प्रिफर करो। व्हाट इज द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ किंग कॉन्ग पैरट? किंग कॉन्ग पैरेट में अभी तक तो रखा नहीं हूँ, बट वो बहुत बड़ा होता है, 1.5 feet तक चल जाता है, ठीक है, अच्छा से अगर आप केयर करोगे, वो पैरेट में सबसे मतलब बड़े साइज का होता है किंग कॉन्ग पैरेट, मैं भी रखूंगा इन फ्यूचर। बहुत ज्यादा ओपन होगा, मुझे पता नहीं, हमें घर में 5 cat है अभी, ब्रो यहाँ बोले ब्रो अरवाना फीडिंग इज इजी टू इजी और डिफिकल्ट? अरवाना फीडिंग ब्रीडिंग ब्रीडिंग ना फीडिंग ब्रीडिंग तो बहुत टफ है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लाइक आपको एक अच्छा मेल चाहिए फीमेल भी चाहिए, और बेसिकली पॉन्ड पे वो लोग ब्रीड देता है, एक्वेरियम पे बहुत मुश्किल है उनको ब्रीड करना। भाई तुम्हारा गोल है कि फिश अच्छा अच्छे भाई, सॉरी नॉन लेवल में भी बोल ले, मुझे आपके पास कितना फिश है? बोल में नहीं फिश रखता मैं, वहां देखो खाली रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, पर बोल में ऐसे रखा हो, फिश उसमें नहीं है। इनका क्वेश्चन टेबल के लिए, भाई मेरे को 3 feet या 4 feet का टैंक लेना, सस्ता और अच्छा मिलेगा और क्या डिलीवर हो सकता है? तो भाई सॉरी डिलीवर तो दे नहीं सकते हम लोग, फिश फ्रॉम यू, तो भाई आई एम नॉट अ सेलर, जो भी कमेंट कर रहा है कि आई वॉन्ट टू बाई फिश फ्रॉम यू, मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं एक हॉबिस्ट हूँ, ठीक है, मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको, सस्ता में गैल स्टेट में मिल जाएगा, कलकत्ता में बहुत सारे ग्रुप है, वहाँ सर्च करो, अपने एरिया पे देखो, मैं कोई सेलर नहीं हूँ।
और भाई जिसका ये क्वेश्चन था कि आप तीन या चार मीटर का जो टैंक है, मैं आपको बेस्ट पर्सनल सजेशन देता हूँ, जो आपके नियरेस्ट के यानी जो ग्लास का जो फैक्ट्री है या खुद बना लो आप। मेरा एक्वेरियम का मैं प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, हाउ टू मेक एक्वेरियम। हाँ आप प्लेलिस्ट देखो, आप दो वीडियो हमने डाला है, पार्ट वन पार्ट टू, आप घर पे इजीली बना सकते हो। इसका महीना में एक्सपेंस 4 से 5 हज़ार है फीडिंग का, फिशेस का ओनली, डॉग्स वॉक्स का अलग है। भाई सुबह तो कुछ बताया है 50K प्लस है भाई, 18 फीट का कॉस्ट जो है पॉन्ड का। आई नो यू आर माय डोंट नो भाई, पता नहीं क्या क्वेश्चन। डू पैरेट फिश ग्रो फास्ट और स्लो? पैरेट फिश का जो ग्रोथ रेट है स्लो या फास्ट है अकॉर्डिंग? पैरेट फिश का स्लो है थोड़ा, उतना फास्ट नहीं है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ लेता है। सही भाई, पढ़ना पढ़ रहा हूँ। हमारे स्कॉट बॉडी पॉन्ड का स्विम प्लाडर होते हैं कि बहुत मुश्किल है बचाना, स्विम ब्लैडर होने से बहुत मुश्किल है बचाना। मेरा एक कौन सा फिश मरा था मेरे को याद नहीं, उसका स्विम ब्लैडर हो गया था, उसको बचा नहीं पाया था मैं बहुत पहले। स्विम ब्लैडर बहुत क्रिटिकल केस है। छोटे छोटे फिशेस रखिएगा, मॉलीज गप्पीज, जो उसका एक अलग टैंक सेटअप रहता है, मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा बना के। भाई शो योर फेस भाई नेक्स्ट टाइम। और देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट कैल्शियम बिल्डअप ऑन टैंक ग्लास? तो भाई इसका आपको जो है 18 फीट पॉन्ड कॉस्ट पर मंथ, 18 फीट में वहाँ 3K तक हो जाता है और यहाँ 2K तक खर्चा है। सो गाइस लाइक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ काम अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ी देर बाद अभी थोड़ी देर बाद मिस्त्री आएगा, रात को काम कर रहा है, तो मैं बहुत टाइम निकल कर आज लाइव पे आया हूँ। तो आई थिंक जितना भी क्वेश्चन था मेन मेन में उनका आंसर कर दिया हूँ, तो आप थोड़ी देर बाद में डिस्कनेक्ट हो जाओगा। लास्ट टाइम पूछ रहे हो गाइस, आप लोग का अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ मॉली गप्पीज इजीली टैंक पे ब्रीड करते हैं, मैं भी किया था भाई। तुम्हारे कच्चे टैंक प्लांटेड टैंक का अनेक जल्दी हमें टैंक बना वो प्लांटेड प्लांटेड भाई जल्द होगा, नेटिव प्लांट होगा सिर्फ जो अपने देश में पाया जाए इंडिया। मेल फीमेल पैरट डिफरेंस? पैरट का जो मेल रहता है उसमें थोड़ा हम्प आता है और फीमेल का हम्प थोड़ा कम रहता है। ओके गाइस, सो अब मैं लाइव एंड कर रहा हूँ, लाइक मिस्त्री लोग आ गया है, वेट कर रहे हैं बहुत देर से, यहाँ पर काम चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे लाइव में, उस दिन अच्छे से बात करेंगे।